बहुत सारे बच्चे होंगे जो डीयू के लिए प्रिपेयर करेंगे, डीयू एलएलबी के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ बैकअप लेके चलते हैं। मान लो इन केस 1% ऐसा हो जाए कि डीयू में एडमिशन ना हो पाए, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक ऑप्शन लेके चलते हैं, वो बीएचयू को भी, कुछ बच्चों का प्रेफरेंस ही बीएचयू होता है। इन सब का जो सिलेबस है वो सिलेबस इन सारे कंपिटेटिव एग्जाम के लिए सेम रहे, ठीक है। जो सिलेबस मैं कवर नहीं करा रही हूँ अपने इस कोर्स में, सिर्फ वही सिलेबस है जिसका क्वेश्चन का नंबर जो है वेरी करता रहता है, जिसका ऊपर नीचे होता रहता है। चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी का एलएलबी का पेपर दीजिए, चाहे आप डीयू का पेपर दो, चाहे आप बीएचयू का दो, या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से सिम्बायसिस भी लेती है, ठीक है। अब तो बेंगलोर ने भी जो है बोल दिया है कि वो 3 ईयर लॉ प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं। तो जितने भी ये पेपर्स हैं इनमें जो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में वो सिलेबस सेम रहेगा। तो स्ट्रेटजी पर अगर हम काम करें तो डीयू एलएलबी 2022 अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो अभी जो है नवंबर का आप लगा के चल सकते हो कि हमारे पास 20 डेज जो है नवंबर के बचे हुए हैं। और अगर सारी चीजें सही मैनर में चलती हैं, अगर ये कहा जाए कि टाइम के हिसाब से चलती हैं, कोई भी ये जो लॉकडाउन वाला जो सीन है अगर ये दोबारा नहीं आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो है अप्रैल के एंड तक फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। अप्रैल एंड तक फॉर्म आ जाएंगे, या बिल्कुल अगर अप्रैल एंड तक नहीं आ पाते तो मई के स्टार्टिंग में फॉर्म आ जाएंगे आपके। अगर मई में फॉर्म आता है तो आपका जून में जो है पेपर हो जाएगा, ठीक। अगर मैं मोटे तौर पर लगा के चलूं तो ऑलमोस्ट हमारे पास 7 से 8 महीने यहाँ जिस पेपर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। देखिए, जो सब्जेक्ट्स मैं कवर कराऊंगी आपकी क्लास में वो क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे। लीगल एप्टीट्यूड होगा, लीगल एप्टी की क्लास होगी। फिर आपका रहता है पॉलिटी, फिर आपका रहता है क्या इंग्लिश, और फिर क्या रहता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। ये 4 चीजें हैं जो हम अपने इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब लेकिन ये समझना जरूरी है कि लीगल एप्टीट्यूड में आपने क्या क्या पढ़ना है। क्या लीगल एप्टीट्यूड में सिर्फ क्रिमिनल लॉ आके खत्म हो जाता है, क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा के लीगल एप्टीट्यूड खत्म हो जाता है, या सिर्फ मैं बोल दूं कि चलो फैमिली लॉ मैंने करा दी लीगल एप्टीट्यूड खत्म हो गया। नहीं, देर आर मोर देन 10 सब्जेक्ट्स दैट नीड्स टू बी कवर इन लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। 10 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं। तो हम जो जिस पैटर्न पे चलेंगे वो क्या पैटर्न होगा आपका, बेसिक्स ऑफ लीगल रीजनिंग। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगी कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं लीगल एप्टीट्यूड के, ठीक है। कैसे कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे, ये बात हम पिछले 5 साल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड से पूछे गए, ठीक है। किसी पेपर में 20 तक पूछे गए हैं, किसी पेपर में 25 तक पूछे गए हैं, किसी पेपर में 17-18 भी पूछ लिए गए हैं। तो हम देखेंगे कि पिछले 5 ईयर में क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड के पूछे गए और कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आपको ये पता रहे कि लीगल एप्टीट्यूड पर कितनी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो सेकेंड सेशन रहेगा वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का रहेगा, ठीक है। टॉर्ट्स क्यों, क्योंकि टॉर्ट्स सिंपल है, नेग्लिजेंस क्या होता है, और भी कई कई सारे टॉपिक हैं जो हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कवर करेंगे। हम इनके सिर्फ बेसिक कवर करेंगे और इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हर सब्जेक्ट के बाद। जैसे मान लो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो जाता है, तो पहले तो उसके आपके आपको कॉन्सेप्ट्स कवर कराऊंगी मैं, कॉन्सेप्ट क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। फिर दूसरा जो सेशन होगा इसी के साथ, दूसरा तीसरा, इसके साथ दो दो तीन तीन सेशन कनेक्ट होंगे हर सब्जेक्ट के बाद। उन सेशन में आपके क्या होंगे, क्वेश्चन डिस्कस होंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप 2021 का क्वेश्चन पेपर जब आपसे डिस्कस करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं एग्जामिनर ने। क्राइम से उतने क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, फैमिली लॉ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स उठाए हैं वो टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट्स उठाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं लीगल एप्टीट्यूड के। फिर आता आपका क्राइम, क्राइम में अब लॉ ऑफ क्राइम काफी बड़ा है, लेकिन लॉ ऑफ क्राइम में हम 3 सब्जेक्ट जो है सब सब्जेक्ट कवर करेंगे। इसमें बेसिक्स ऑफ आईपीसी कराऊंगी मैं आपको, बेसिक्स ऑफ सीआरपीसी और बेसिक्स ऑफ एविडेंस। बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, मोटे मोटे एक दो आईपीसी के तो मोटे मोटे सेक्शंस हो जाएंगे, जैसे कि 300 और 299 में क्या डिफरेंस होता है, दोनों मर्डर के सेक्शन है, कल्पेबल होमिसाइड है, एक मर्डर होता है, 299 कल्पेबल होमिसाइड है, 300 मर्डर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। काफी सारे से आपके लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बनते हैं। किडनैपिंग के कुछ सेक्शंस हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइम किसको माना जाता है, कब कोई भी एक्शन ये माना जाता है, कोई एक्ट ये माना जाता है कि ये क्राइम हुआ है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं क्राइम की, ये सारी चीजें जो है हम कवर करेंगे। सीआरपीसी में भाई सीआरपीसी होता क्या है, ठीक है, कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है कि सब्सटेंशिएटिव लॉ है,
फिर हमें ये देखना है कि सीआरपीसी कब बनी, हिस्ट्री थोड़ी बहुत सीआरपीसी की हिस्ट्री देख लेंगे, कौन से लॉ में सीआरपीसी कवर होता है कि हमारा कंकरेंट लिस्ट में, बिल्कुल अभी रिसेंट का ही आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि सीआरपीसी एक सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट होगा कि सीआरपीसी जो है एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है या कंकरेंट का होता है, वो भी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर एविडेंस आ जाता है, एविडेंस का तो बिल्कुल ही बेसिक करना है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से किसम से आप सोच लो कि डेफिनेशन से एविडेंस में आएगी, पेपर में एविडेंस से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ा इसलिए रही हूं ताकि आपको टर्म्स से फेमिलैरिटी हो, जो इनके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उन टर्म से आप क्या हो जाओ, एक बार फेमिलियर हो जाओ, तो उससे बहुत फायदा होगा आपको। जब आप क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड का पढ़ता है बच्चा, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है उसके साथ, उसको लैंग्वेज नहीं समझ आ पाती है। लैंग्वेज क्यों समझ नहीं आ पाती है उसको, क्योंकि वो टर्म से फेमिलियर नहीं होता है। कहीं पर आपको कल्पेबल होमिसाइड लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको मर्डर लिखा मिलेगा। जब तक बच्चे को यही डिफरेंस नहीं पता है कि कल्पेबल होमिसाइड एक अलग, दोनों का ही मतलब क्या होता है, किसी दूसरे इंसान को मार देना, किसी दूसरे इंसान की जान ले लेना होता है, दोनों का ही मतलब, कल्पेबल होमिसाइड भी मर्डर भी। एक लेमेन जो होता है, कॉमन आदमी जो होता है, उसके हिसाब से कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जब एक लॉयर बात करता है, एक लॉ एस्पिरेंट देखता है, तो एक कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में उसके लिए दिन रात का फर्क होता है। तो ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने। फोर्थ जो आपका सब्जेक्ट आ जाता है वो आपका आता है फैमिली लॉ। बहुत ही बेसिक फैमिली लॉ के क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं। हालांकि इस बार जो क्वेश्चन पूछे हैं काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से आए हुए हैं। फैमिली लॉ में भी आपको दो तरीके के मैं बेसिक कवर कराऊंगी, एक तो हिंदू लॉ कवर कराऊंगी, ठीक है, एक इसमें मुस्लिम लॉ होता है, ठीक है, मुस्लिम और हिंदू, तो ये दोनों ही आपने फैमिली लॉ में कवर करने हैं। बेसिक बेसिक इन चीजों कवर होंगे, साथ में हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जाता है IPR, ठीक, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आजकल जो जितने भी लॉ से रिलेटेड कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो जाते हैं उन सब में IPR बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है। अगर इस बार भी आप देखेंगे तो कम से कम भी 4-5 क्वेश्चन IPR से आए हैं। 3 क्वेश्चन तो मैंने ही डायरेक्ट देखे IPR के, कॉपीराइट क्या होता है, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल भी डीप में नहीं पूछा गया। वो तो IPR एक अलग से सब्जेक्ट है, इनफैक्ट एक सब्जेक्ट नहीं है। जब आप लॉ करेंगे तो 2 सेमेस्टर में 2 बार सब्जेक्ट आता है, IPR 1 IPR 2 करके, तो सब्जेक्ट तो ये बहुत बड़ा है। लेकिन आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बिल्कुल बेसिक आपको आना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स, इसके जो क्वेश्चन है तो बहुत सारे लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स, लेकिन इससे आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं पेपर में। तो लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स जितने भी इंपॉर्टेंट होंगी, प्रीवियस ईयर भी और नई वाले भी, उन सबकी लिस्ट में जो है आपको एक क्लास में कवर करा दूंगी। लेकिन बात क्या है याद करने वाले, याद आपको होंगी जब जब आप ये चीजें पढ़ते जाएंगे। अब लीगल एंड टर्म्स एंड मैगजीन्स में बहुत सारे टर्म्स आएंगी जो टॉर्ट से होंगी, बहुत सारी मैगजीम होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट से होंगी, बहुत सारी मैगजीम्स होती हैं जो क्राइम से होती हैं, तो ये सारी मिलजुल के आपकी लीगल टर्म्स एंड मैगजीम बनती है। तो आपने एक बार इनसे फेमिलैरिटी आपकी हो जाती है, तो जब जब आप टॉर्ट्स पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे, क्राइम पढ़ोगे, रिवाइज करते रहोगे, ये अपने आप याद हो जाएंगे। तो रिविजन करते रहना है आपने इनका, इनके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन है वन वर्ड, जैसे कि ऑप्शनल जो MCQs होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी और उनकी प्रैक्टिस भी करा दूंगी। लैंडमार्क जजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंडमार्क जजमेंट, पहले वाले जो लैंडमार्क जजमेंट, जैसे कि केशव नंदा भारती केस हो गया है आपका, इंदिरा साने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया हो गया है, ठीक है, उसके अलावा गोलकनाथ केस हो गया है, और भी बहुत सारे केसेस हैं आपके। इसी तरीके से कुछ केस है जो कॉन्ट्रैक्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ केस आपके जो क्राइम के इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस है जो आपके फैमिली लॉ के इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ केसेस है जो टॉर्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो सारे केसेस जो है मैं यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट में वो कवर कराऊंगी आपको। और फिर लास्ट में है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही की है। आपने अगर कॉन्सेप्ट एक आधा छूट भी गया है आपका, आपको याद नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 500-600 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए एक बार, फिर आपको चाहे कॉन्सेप्ट नहीं भी मान लो कोई याद रहा है तो भी आप पेपर में क्वेश्चन कराओगे। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा लीगल का सिलेबस कि एप्टीट्यूड में आपने क्या क्या कवर करना है। फिर हम आते हैं अपनी पॉलिटी पे, दूसरा सब्जेक्ट जो है, मैं 4 सब्जेक्ट लिख देती हूँ आपका। एक तो लीगल एप्टीट्यूड का रहेगा, ठीक है, LA। दूसरा आपका रहता है पॉलिटी, जैसे मैंने बताया था। तीसरा सब्जेक्ट होगा आपका इंग्लिश, और फोर्थ जो होता है वो क्या होगा आपका, करंट अफेयर रहता है, ठीक है। तो लीगल एप्टीट्यूड हमारा डिस्कस हो गया, नाउ वी आर मूविंग टू पॉलिटी सब्जेक्ट। पॉलिटी में वैसे तो पॉलिटी बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स। वो आज आपसे पूछ लूं, मुझे बताइए डेमोक्रेसी क्या होता है, मुझे डेमोक्रेसी के बारे में समझा दो क्या होता है, या मैं आपसे पूछ लूं कि भाई आप मुझे रिपब्लिक शब्द का मतलब समझा दो, रिपब्लिक क्या होता है,
या मैं आपसे पूछ लूं हमारे प्रियम्बल में सॉवरनिटी की बात की गई है, सॉवरनिटी का क्या मतलब है, या मैं बोल दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में लिबर्टी और फ्रीडम की बात की गई है, ठीक है, इस फ्रीडम शब्द का मतलब क्या है, ये फ्रीडम आया कहाँ से हमारे पास, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आता है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या थी, इसमें इस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो बना कैसे, ठीक है, डीपीएसपी जो आए वो कहां से आए और क्यों आए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो आती हैं वो क्यों आती है और कहां से आती है, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारा, बहुत बड़ा है पॉलिटी पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए भी, लेकिन हमें उन चीजों पर ध्यान देना है जो चीजें आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर लाइक सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बोला भी गया कि आर्टिकल 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बोला है, डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था ऐसा। तो फंडामेंटल राइट से हर बार दो क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली आते हैं। इस बार भी क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे 2021 वाला लॉ का, तो आपको पता लगेगा कि तीन क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से पूछे हुए, तो बिल्कुल थरोली कवर करेंगे, एक एक चीज कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स में। ये कुछ मैंने मोटा मोटा यहाँ पे सिलेबस किया है, ओरिएंटेशन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रीएम्बल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिटीजनशिप क्या है, कैसे इसमें अमेंडमेंट अभी जो हुए हैं, नए बिल्स जो आए हैं वो क्या है, ठीक है, आर्टिकल 370 हटाया है वो क्या है, राइट्स हम पढ़ेंगे, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर पार्लियामेंट कवर करेंगे पूरा पार्लियामेंट की, प्राइम मिनिस्टर क्या है उसके अंदर, कैसे प्राइम मिनिस्टर की वो होती है, इलेक्शंस होते हैं, फिर जो बाकी जो उसमें एमएलए एमपीज होते हैं उनके उनका कैसे रहता है, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, ठीक है, उनसे रिलेटेड सेक्शंस, सॉरी आर्टिकल्स क्या है वो कवर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन पार्ट हो जाता है प्रेसिडेंट वाला, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं, प्रेसिडेंट के क्या काम है, कौन से आर्टिकल रिलेट होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट वाला तो बिल्कुल एक अलग लेक्चर चलेगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो हम कवर करेंगे, कैसे इन जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने टाइप के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, ठीक है, उनमें किस तरीके के केसेस जाते हैं, उनमें मजिस्ट्रेट जो होते हैं फर्स्ट क्लास हो गए या सेकंड क्लास हो गए, ठीक है, जो फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आती है जैसे कैग वगैरह हो गया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो गया है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, फाइनल, और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, और मिसलेनियस, मिसलेनियस में मतलब कोई इंपॉर्टेंट जो है क्या रह जाता है मिसलेनियस में, एक सेकंड, मैंने लिखा हुआ था, हाँ, मिसलेनियस में आपका रह जाती है जैसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, बहुत सारी अमेंडमेंट हुई हैं, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि अभी जो आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस जो आया था, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन मिली थी 10% वाली, वो किसके बिहाफ पर मिली थी, वो 2019 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, उसके अंडर में जो है रिजर्वेशन दी गई थी, और जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें कौन से क्लॉज एड किए गए थे, वो आपके 15(6) यानी आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 और 16(6) यानी आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 ये ऐड करके जो है रिजर्वेशन दिया गया था। ये सारे जो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट एक्ट आ रहे हैं, या फिर जो अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर और रीऑर्गेनाइजेशन बिल की बात करूं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट अभी रिसेंट में रहे हैं, और पहले जो इंपॉर्टेंट एक्ट आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या होते हैं और नॉर्मल अमेंडमेंट एक्ट क्या होते हैं, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये सारी लीगल टर्मिनोलॉजीज है, नॉर्मल बोल देंगे कि भाई फंडामेंटल राइट्स यही होते हैं, इनके नाम बता देंगे, लेकिन जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने बैठूंगी आपको, तो मैं साथ में चार केसेस बताऊंगी कि केशव नंदा भारती केस में फंडामेंटल राइट्स का क्या रोल था, ठीक है, गोलकनाथ केस में क्या बोला गया था, जब मैं प्रीएम्बल पढ़ाने बैठूंगी तो सॉरी फंडामेंटल राइट्स में ही आपके इंदिरा साहनी केस आता, बहुत इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, लैंडमार्क जजमेंट है, उस जजमेंट में क्या बोला गया था, रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है, तो रिजर्वेशन के अंदर कौन कौन से केसेस आते हैं, ठीक है, मंडल कमीशन क्या था, कब मंडल कमीशन आया था, फिर उसके अलावा जो है ईडब्ल्यूएस कोटा कैसे मिला है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज मिला, सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कोटा को चैलेंज मिला था तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में, ठीक है, जब हम प्रीएम्बल पढ़ने बैठेंगे तो हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है जो प्रीएम्बल से रिलेटेड है, जो लैंडमार्क बनी, जिसने प्रीएम्बल की पूरी कहानी बदल के रख दी, तो ये सारी चीजें हम पॉलिटी में कवर करेंगे। और इसके अलावा जो है और क्या है पॉलिटी में, क्वेश्चन तो है ही, देखो टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन कराऊंगी, जैसे मान लो मैंने प्रीएम्बल टॉपिक पढ़ा दिया, तो प्रीएम्बल के ऊपर लगभग 100
क्वेश्चन जो है मैं कवर कराऊंगी, आपको असाइनमेंट भी दे दूंगी, साथ में असाइनमेंट मैं आपको करने के लिए दे दूंगी, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना। अब कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डाउट रहता है तो आपका आपका डाउट सेशन में लगा दूंगी, उसके लिए सारे क्वेश्चन के डाउट में साथ साथ क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, आगे बचता है आपका करंट अफेयर वाला। अब करंट अफेयर का क्या है, करंट अफेयर में चार पांच इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं कवर कराने की मेरी पूरी मंशा है। लीगल करंट अफेयर तो रहेगा ही रहेगा, जो लॉ से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर आ रहा है, मान लो कोई नए जज की अपॉइंटमेंट हुई है, नए सीजीआई बने हैं, नए से पहले अभी सीजीआई कौन है और इनसे पहले सीजीआई कौन थे, फर्स्ट सीजीआई कौन थे हमारे, सबसे लंबी जो भी अभी पूछा गया था फर्स्ट सीजीआई कौन थे इंडिया के, ठीक है। और फिर पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा ड्यूरेशन वाले सीजीआई कौन थे, जिनका जो वर्किंग पीरियड रहा है वो सबसे ज्यादा रहा है, या पूछा जा सकता है आपके जो जिनका सबसे कम वर्किंग पीरियड रहा है, सबसे कम समय के लिए भारत के सीजीआई कौन बने थे, ये सारे क्वेश्चन और लीगल करंट से रिलेटेड जितना कुछ भी आ रहा होगा वो सारा हम आज का वो इसमें करंट अफेयर वाले सेक्शन में कवर करेंगे। अवार्ड्स एंड प्राइस इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हालांकि ये वाला जो सेक्शन है ये आपका स्टैटिक जीके का सेक्शन है पूरा। अगर आप स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो है कम से कम 10 नंबर का 10 क्वेश्चन का आता है, ठीक है, तो अगर आप खुद से अभी से प्रिपेयर कर सकते हो, स्टैटिक जीके टाइम तो है आप लोगों के पास, है ना, तो अभी से प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैं अभी टॉपिक में यहाँ पे नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन मैंने सारे के सारे टॉपिक एक वीडियो में बताए हुए हैं। आप चैनल पर जाओगे ना, चैनल पर आपको जीके जीएस करके एक सेक्शन मिल जाएगा, उसमें मैंने जितने भी स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, लगभग 25-26 टॉपिक है, वो सारे मैंने लिखवाए हुए हैं। तो वो सारे नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में टॉपिक्स, और उनको एक एक करके तैयार करते जाओ, चाहे दो दिन में एक टॉपिक तैयार कर लो, लेकिन आपके अगर 25 टॉपिक वो तैयार हो गए तो आप समझ के चलो कि आपने बहुत बड़ा काम खत्म कर लिया अपना स्टैटिक जीके का। लास्ट में जाके स्टैटिक जीके नहीं हो पाती, बहुत सारा लगने लग जाएगा स्टैटिक जीके, अभी से करना शुरू कर दोगे, दो दिन में तीन दिन में एक टॉपिक भी कर लोगे, जब भी दो महीने में खत्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि टोटल मिला के 25 ही टॉपिक है। कॉपी में लिखते जाओ, उनके नोट्स बनाते जाओ और खत्म करो स्टैटिक जीके। तो ये सारी चीजें हैं करंट की। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट की जो ओरिएंटेशन होगी आज 4 बजे, ठीक है, 4 PM पे, उसमें मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ इंग्लिश के लिए कैसे क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी पढ़ने की, टाइम टेबल का शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे जो है हम अब सिलेबस को कवर करने चलेंगे। ये था आपका पूरा सिलेबस, आपकी क्लासेस रहेंगी 6 क्लासेस पर वीक, ये आपकी नॉर्मल क्लासेस है, ठीक है, नॉर्मल। 1 रहेगा आपका ऑफ, जो ऑफ होगा वो संडे ऑफ होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं, ठीक है, वीक में कोई भी एक ऑफ हो सकता है, वो आपको पता कैसे लगेगा, मैं आपको वीकली शेड्यूल भेज दूंगी हर संडे को, आपकी क्लास का शेड्यूल आपके पास होगा संडे को कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट की कितने बजे मेरी क्लास होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं आपको ये बोल दूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं आज क्लास अभी ले लूं तो मैंने आपको मैसेज कर दिया कि मैं तो क्लास लाइव आ गई क्लास लेने के लिए, नहीं, मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल दूंगी हर हफ्ते का कि भाई इतने से इतने बजे जो है आपकी लीगल की क्लास है, इतने से इतने बजे इंग्लिश की क्लास है, और इस दिन ये वाली आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो आपका एक तो वीकली शेड्यूल आएगा, ऊपर से आपकी 6 क्लासेस रहेंगी वीकली, और एक ऑफ रहेगा। ऑफ हो सकता है किसी दिन मंडे का हो जाए, किसी दिन वेंसडे का हो जाए, उसका रीजन ये है क्योंकि मैं कोचिंग पे पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो वहां पे जिस दिन भी मेरी क्लास पूरा दिन रहेगी, एक दिन मेरी क्लास जो है वो फुल डे रहती है, बिल्कुल 7:30-8 बजे मैं फ्री हो पाती हूँ, तो जिस दिन वो क्लास होगी उस दिन मैं आपका ऑफ कर दूंगी, ठीक है। इंग्लिश की अब मैं क्लासेस की अगर मैं बात करूँ, कुछ कैसे क्लासेस रहेंगी आपकी, तो देखिए अभी अगले 2 महीने तक, ठीक है, 2 महीने का मतलब है जनवरी के स्टार्टिंग तक जो आपकी क्लासेस रहेंगी, तीन जो क्लासेस हैं आपकी, सॉरी तीन बोल रही हूं, 6 डे जो है आपकी डेली डेली इंग्लिश की क्लास रहेगी। तो ये हमारा आपकी जो वीक में क्लासेस होंगी लो वाले बच्चों के लिए वो कितनी होंगी, 6, 2, 8 और 1, 9, 6 क्लासेस नहीं है आपकी, इनफैक्ट आपकी इनफैक्ट वीकली कितनी क्लास रहेंगी, 9 क्लासेस रहेंगी आपकी। ये तो आपकी वीकली शेड्यूल हो गया। अब इसके अलावा मान लो मुझे डाउट सेशन लेना है आपका, आपने बोला कि मैडम यहाँ पे डाउट्स बहुत हो रहे हैं, डाउट सेशन चाहिए, तो वीक में जो है आपके जब भी आप बोल देंगे तभी डाउट सेशन हम क्रिएट कर देंगे आपके लिए। तो चाहे वीक में 2 डाउट सेशन करवाने हो, चाहे 3 कराने हो, चाहे जितने भी, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। जैसे जैसे आप डाउट सेशन आप बताते जाएंगे वैसे वैसे मैं डाउट सेशन आपके करते जाऊंगी। तो मिनिमम जो है मैं ये लगा के चल रही हूँ, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 डाउट सेशन तो रहेगा ना आपका, 1 तो क्लास रहेगी डाउट सेशन की, तो 10 क्लासेस जो है आपकी वीकली चलेंगी अभी।